ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिरामिड्स ऑफ गीजा में जाए तो कैसे जाए, कहाँ से टिकट ले, कितने रुपए की टिकट है, क्या चीज़ों का ध्यान रखे, कैसे स्कैम से बचे और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आएगी जब आप जाएंगे पिरामिड्स ऑफ गीजा में। मैं हूँ संकल्पिता और आप देख रहे हैं दैट नर्डी ट्रैवलर, जो कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं ट्रैवल के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इजिप्ट के बारे में, स्पेसिफिकली पिरामिड्स ऑफ गीजा के बारे में, जो कि एक ऐसी जगह है जो काफ़ी मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है वहाँ पे। और अगर आप एक ट्रैवल इंथूजियास्ट हैं जैसे कि मैं हूँ, तो आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में भी ये आइटम ज़रूर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री आपको बताती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और कायरो से लगभग 13 किलोमीटर्स की दूरी पर ये सिटी मौजूद है जिसका नाम है गीज़ा। गीज़ा जो है वो एक नेक्रोपोलिस है। नेक्रोपोलिस का मतलब है सिटी ऑफ द डेड, यानी कि मरे हुए लोगों की सिटी। अगर आप बहुत इजी वर्ड्स में इसका मतलब जानना चाहेंगे तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक बड़ा सा शहर है, एक बड़ा सा डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे जो राजा हुआ करते थे इजिप्ट के, जो लोग हुआ करते थे, इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे, उन लोग को एक मॉर्चुरी टेम्पल में दफनाया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि इजिप्ट के राजा जब मर जाते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। तो उन्हीं की याद में ये टेम्पल जैसी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और इनको कहा जाता था पिरामिड्स। अब जब आप इजिप्ट जाएंगे तो वहां पे पाएंगे 3 इम्पोर्टेंट पिरामिड्स जो कि गाजा में मौजूद है। पहला पिरामिड जो कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है पिरामिड ऑफ खुफू। खुफू इजिप्ट के एक राजा थे जिनकी याद में ये पिरामिड बनाया गया है, और ये सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा महंगा भी है। इसके अंदर एंट्री सबसे ज्यादा महंगी है। अब इस पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा है साइज में और इवन लेंथ में। सेकेंड पिरामिड जो है वो पिरामिड ऑफ खफरे है, और तीसरा पिरामिड जो है वो पिरामिड ऑफ मेनकौरे है। अब ये तीनों पिरामिड को जब साथ में लाते हैं तो पिरामिड्स ऑफ गीजा बनते हैं। इजिप्ट एक बहुत ही एंशंट सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे काफ़ी सारे किंगडम्स थे। तो एक किंगडम था जिसको कहा जाता है ओल्ड किंगडम, आजकल की भाषा में, जो ओल्ड किंगडम की फोर्थ डायनेस्टी थी। ये सारे पिरामिड्स वो डायनेस्टी के काल में बनाए गए हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराने हैं, और सही मायनों में ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी मॉन्यूमेंट्स में से एक है। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो लगभग 4,500 साल पहले इन पिरामिड्स को बनाया गया था। अब सोचने की बात यह है कि वो जमाने में टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी कि इतने खूबसूरत, इतने सिमेट्रिकल और इतने ज़्यादा स्टर्डी, इतने ज़्यादा मजबूत पिरामिड्स बनाए जो इतने हजारों साल तक अभी भी मौजूद है। क्योंकि ये काफ़ी अनबिलीवेबल सा फैक्ट है, इसलिए बहुत लोग का मानना ये भी है, काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि शायद ये पिरामिड्स एलियंस ने भी बनाए हैं। वैसे तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पर देखा जाए तो ये काफी नामुमकिन लगते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में, आइए बात करते हैं टिकट्स की। तो दोस्तों, शुरुआत के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी द पिरामिड ऑफ गीजा कॉम्प्लेक्स की। इस कॉम्प्लेक्स में 3 मेन पिरामिड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुफू, खफरे एंड मेनकौरे, और इनके साथ में इनकी रानियों की भी पिरामिड्स हैं छोटे छोटे, जो कि टोटल मिला के 9 पिरामिड्स बनाते हैं। आपको 200 इजिप्शियन पाउंड्स देने पड़ेंगे एंट्री के लिए इस कॉम्प्लेक्स में, पर अगर आपको पिरामिड के अंदर जाना है तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। ये टिकट जो है वो सबसे बड़े पिरामिड जिसका नाम है पिरामिड ऑफ खुफू या फिर द ग्रेट पिरामिड, उसकी टिकट है 400 इजिप्शियन पाउंड्स, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर अगर आप छोटे पिरामिड्स में जाना चाहते हैं तो आप 100 इजिप्शियन पाउंड्स दे के इन दोनों में से कोई भी एक पिरामिड में जा सकते हैं। टिकट्स की ही बात करें तो एक वहाँ पे सोलर बोट म्यूजियम भी है जिसका टिकट रेट मैं नीचे डाल दूंगी। ये म्यूजियम हम लोग ने नहीं देखा था बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था,
अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो आप ये सोलर बोट म्यूजियम भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं इसका टिकट प्राइस नीचे डाल दूंगी। बात करें हैं टिकट्स की, तो एक और टिकट की बात करते हैं। ये है दिस लाइट एंड साउंड शो की टिकट। इसकी कॉस्ट है 300 इजिप्शियन पाउंड्स पर पर्सन। ये शो जो है वो शाम को होता है, टाइमिंग्स बदलती रहती है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। जो भी लेटेस्ट टाइमिंग्स है वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, तो उसको चेक करिएगा। अब इस लाइट एंड साउंड शो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये था टिकट सेक्शन। और अब बात करते हैं कैमल राइड्स की। अगर आप पिरामिड्स ऑफ गीजा जा रहे हैं तो वहां पे मैं सोचती हूँ आपको कैमल राइड जरूर करनी चाहिए, बिकॉज जो फोटोज आती हैं और जो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। जब मैं इजिप्ट गई थी तो मैंने भी इस कैमल राइड का अनुभव लिया था। हम लोग को लगभग 800 इजिप्शियन पाउंड्स पड़ा था दो कैमल्स का, दो लोगों के लिए। तो ये आप बात कर सकते हैं, हमारा टूर जो था वो 3 घंटे का टूर था और 800 पाउंड्स में ये पूरा कवर्ड था। अब इसमें एक छोटा सा स्कैम जो हमारे साथ हुआ वो ये था कि जब हमने कैमल्स की बात करी तो हमने गाइड की भी बात करी। जो कैमल ओनर था उसने बोला कि वो ही गाइड है, और हम लोग को थोड़ा सा डाउट आया था कि इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, तो उसने हमें एक अरबिक में लिखा हुआ लाइसेंस दिखाया। बट जब वो हमें एक्चुअली लेके गया और हम जब उससे क्वेश्चंस पूछने लगे तो काफ़ी क्लियर हो गया कि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो एक रजिस्टर्ड गाइड नहीं था, उसने हमें बस उल्लू बना दिया। तो अगर आप गाइड लेने की सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको और थोड़ा पता करना पड़ेगा। जिस होटल में आप रह रहे हैं उससे बात करिए, और ये भी पहले से ही तय कर लीजिए कि आपके गाइड को इंग्लिश आती है, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी उनका एक्सेंट जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, जो हमें नहीं समझ में आता, तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखिए। एक और सजेशन तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ये दोनों चीज़ें सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप गाइड ले रहे हैं तो खाली पिरामिड कॉम्प्लेक्स के लिए गाइड ले लीजिए, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा। और जब आप सारे पिरामिड्स देख चुके हैं उसके बाद आप कैमल राइड का भी अनुभव ले सकते हैं। ये कैमल राइड आप 3 घंटे के लिए मत करिए जैसे कि हमने की थी, आप 1 घंटे के लिए करिए। कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी कैमल राइड के लिए वो है ये। पहला, कपड़े ऐसे पहनिए कि आपको दिक्कत नहीं हो। कैमल्स काफ़ी उत्तेजक भी हो सकते हैं, कभी कभी वो बहुत फास्ट चलते हैं और जब आप उन पर चढ़ते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप स्कर्ट पहने हैं तो आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी। प्रिफरेबल है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। कभी कभी हवा बहुत तेज़ चलती है डेजर्ट में, तो वो उसका भी ध्यान रखिए। तो कम्फर्टेबल कपड़े पहनिए, थोड़े लूज़ फिटिंग के पहनिए, कोई बात नहीं। बट हाँ, आपके जो कपड़े और फुटवेयर हैं वो कम्फर्टेबल होने चाहिए। नंबर टू, जब आप कैमल राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो गाइड से आप बार्गेन करिए। इजिप्ट में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है, आप जितना वो अमाउंट बोलते हैं उसका 1/4 कोट करिए, वहाँ से आगे जाइए। तीसरी चीज़ है, जब आप कैमल राइड की बात करने जाएंगे उनको पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि हम बख्शीश नहीं देंगे। इजिप्ट में ये एक तरह का कस्टम है कि जब आप कोई भी डील करते हैं पैसे के बारे में, वो डील होने के बाद आपसे जो भी बंदा है सामने वाला आपसे बख्शीश बोल के ज़रूर मांगे, कम से कम एटलीस्ट 20% 30% जो आपका डील है उसका प्राइस जरूर मांगेगा। तो ये आप स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दीजिए कि बख्शीश नहीं मिलेगी, और अगर बख्शीश चाहिए तो कितनी लेगा पहले से ही डिसाइड करिए। हम लोग को ये एक्सपीरियंस काफी गलत हुआ, इस तरह से हम काफी स्कैम्स में फंसे। कुछ लोग तो एकदम लड़ने पे आ गए, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और मैं चाहती हूँ कि आपको ये नहीं हो। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि आप अपने गाइड से ये जरूर बात करिए कि वो आपको फोटो पॉइंट्स पे जरूर लेके जाए। अब जब आप पिरामिड ऑफ गीजा कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं, सारे पिरामिड्स पास पास में ही मौजूद हैं, पर अगर आप उस एरिया में ही रहते हैं आपको फोटोज अच्छे नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर फोटोज जो है वो बहुत दूर से ली जाती हैं, जिसमें तीनों पिरामिड्स जो है वो बैकग्राउंड में आते हैं। अगर आप बैक साइड जाते हैं पिरामिड्स के, आपको मेन पिरामिड्स के साथ साथ छोटी वाली रानियों के पिरामिड्स भी मिलेंगे, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्यू पॉइंट है। और नहीं तो सामने से देखने पर जो लेफ्ट साइड है पिरामिड का, वहां से फोटो पॉइंट बहुत ही खूबसूरत आता है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जब आप कैमल्स के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, आप एक बार अपने कैमल को ज़रूर देखिए। अगर वो नीट है, साफ़ सुथरा है, क्लीन और टाइडी है, उसने कपड़े किस तरह के पहने हैं, ये वैसे तो इतना मैटर नहीं करता, पर अगर आपका कैमल एक सुंदर तरीके से रखा हुआ है तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कैमल ओनर जो है वो कैमल की अच्छे से देखभाल करता है। और दूसरा चीज़ ये कि आपकी फ़ोटोज़ जो है वो बहुत सुंदर आएंगी। हम लोग इस मामले में काफ़ी लकी थी कि हमारे
हमारी कैमल जो था वो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था। तो हमारी फोटोज में जो कलर्स आए हैं, जो कैमल ने जो ड्रेस पहनी है उसकी जो फोटोज आई है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर मानिए बाय चांस आप कैमल राइड नहीं करते हैं, फिर भी आपको मन है कि कैमल के साथ फोटोज खिंचवाने का, तो आपको वही कॉम्प्लेक्स में आसपास काफी लोग मिलेंगे जो आपको बुलाएंगे कि आओ फोटो खींचो। बट ध्यान रखिएगा, ये आपको फ्री ऑफर नहीं दे रहे हैं, ये आपसे पैसे लेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑफर करता है तो उससे बात कर लीजिएगा प्राइस की, मैक्सिमम 10 या 15 पाउंड से ज़्यादा कभी मत दीजिएगा। आखिरी पॉइंट जो मैं आपको कैमल राइड के बारे में बताऊंगी और जो एक्चुअली पूरे गीजा कॉम्प्लेक्स पे भी लागू होता है, वो ये है कि अपना पानी ज़रूर लेके जाए। कहीं भी चले जाएं आप इजिप्ट में, पानी जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस पर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद का पानी लेके चले, होटल से या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से पानी ज़रूर कैरी करिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें जो इंडिया में सिर्फ रेट पर ही बिक सकती है, इजिप्ट में ऐसा नहीं है, उसका 4 गुना रेट बोल के आपको उल्लू बनाएंगे। तो उधर भी बार्गेन करिए, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पानी, ये सब चीज़ों पे वो लोग बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं, तो बार्गेन ज़रूर करिए। तो ये सेक्शन था कैमल्स के बारे में। आइए बात करते हैं इनसाइड द पिरामिड, यानी कि पिरामिड के अंदर कैसे जाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन मेन पिरामिड्स हैं और तीनों का जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम है। खूफू वाला पिरामिड जो ग्रेट पिरामिड है उसका बस साइज़ बड़ा है, तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा। बट अगर आप नोटिस करेंगे डिफरेंस ऑफ रेट, बाकी दोनों पिरामिड्स जाने के लिए आपको सिर्फ 100 इजिप्शियन पाउंड्स ईच देना पड़ेगा, पर अगर आप खूफू जाते हैं आपको 400 इजिप्शियन पाउंड्स पर पर्सन देना पड़ेगा। रेट में काफ़ी डिफरेंस है और अंदर से पिरामिड्स काफ़ी सेम है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है, आपको घुटन होती है छोटी छोटी संकरी जगहों में, तो आप मत जाइए। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है छोटी जगहों में तो भी मत जाइए। अगर आपको सुरंग जैसी जगहों में जाने में प्रॉब्लम होती है तो भी मत जाइए, क्योंकि अंदर से पिरामिड्स बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अगर आपको जल्दी थकान हो जाती है, ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ममीज़ जो है वो पिरामिड्स के अंदर मिलेंगे, तो नहीं। ममीज़ जो है वो इजिप्शियन म्यूजियम में है जो कि कायरो में है। तो अगर आप कोई भी पिरामिड चले जाते हैं आपको ममीज़ नहीं मिलेंगे। बट मेरा सजेशन ये है कि आप छोटे पिरामिड्स जाइए, बड़े वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उधर पैसा काफ़ी बचा सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन पिरामिड्स के अंदर के बारे में, पिरामिड्स के इंटीरियर के बारे में। आइए बात करते हैं अगला सेक्शन जो कि नंबर 5 है, स्पिंक्स के बारे में। स्पिंक्स जो है वो आपको पिरामिड्स ऑफ गीजा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिलेगा। ये थोड़ा सा हटके है, तो हो सकता है कि आपका गाइड आपको इधर नहीं ले जाए, आपको थोड़ा सा उल्लू बनाए जल्दी निपटाने के चक्कर में। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि स्पिंक्स जो है वो उसका प्राइस जो है वो इंक्लूडेड है इस पूरे टिकट में, और आप इसको फ्री में देख सकते हैं अगर आपने पिरामिड ऑफ गीजा कॉम्प्लेक्स का टिकट ले रखा है। तो स्पिंक्स जो है वो एक मिथिकल क्रिएचर है, बहुत बड़ा सा स्टैचू है, एक ऐसे क्रिएचर का जिसका माइथोलॉजी से संबंध है, इजिप्शियन माइथोलॉजी और थोड़े और भी इन्फ्लुएंसेस हैं इसमें। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैचूज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्फिंक्स है जो आज तक भी सर्वाइव किया है। काफ़ी बार ये वैंडलिज्म का भी शिकार हुआ है। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी नाक जो है वो कटी हुई है, इसका जो यहाँ का हिस्सा है वो भी कटा हुआ है, काफ़ी सारी बार इस पर अटैक हुआ है। ये जो क्रिएचर है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी जो शक्ल है, इसका जो चेहरा है वो आदमी का है, और जो उसकी बॉडी है वो एक लायन की है। और कहा जाता है कि इजिप्ट एक राजा यानी कि फरो वहां के एक उनका नाम था खफरे, कहा जाता है कि ये स्पिंक्स ऑफ गीजा की शक्ल उस फरो से यानी कि खफरे से मिलती है। अगर आपने इजिप्ट के बारे में पोस्ट कार्ड या बुक्स या फोटोज देखी होंगी आपको पता रहेगा कि ये बहुत ही फेमस आइकॉन है इजिप्ट का, गाजा का। तो इसको जरूर जरूर देखिए, इसको मिस मत करिएगा। अब स्पिंक्स की बात करें तो स्पिंक्स के बगल में काफी सारे मॉर्चुरी टेम्पल्स हैं, ये जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूडेड है, इसकी सेपरेट टिकट नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये मॉर्चुरी टेम्पल्स को भी जरूर देखिएगा। आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं जो कि है मार्केट्स के बारे में।
आप देखेंगे कि आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे मार्केट्स हैं। यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, यहाँ से कुछ भी मत खरीदिए। अगर आपको ख़रीदना ही है तो वेट करिए। और कायरो में एक मार्केट है खान एल खलीली, वहाँ पे जाइए, वहाँ से काफ़ी वेराइटी का सामान आप ले सकते हैं, काफ़ी बार्गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने कवर कर लिए सारे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दूंगी आपको, इनको बोनस टिप्स और सजेशंस मान के सुन लीजिए। नंबर 1, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं तो आप कायरो की बजाय गीजा में स्टे करिए, एटलीस्ट 1 या 2 दिन स्टे करिए, जितने दिन भी आप पिरामिड्स के पास हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स मिलेंगे जिनका बालकनी व्यू, जिनका रूम व्यू, जिनका रूफटॉप रेस्टोरेंट व्यू जो है वो पिरामिड्स को दिखाता है। और ये बहुत ही अलग सी फीलिंग है, इमेजिन करिए आप अपने कमरे में से सुबह उठ के पिरामिड्स को देख रहे हैं। हमने जो होटल लिया था उसका बालकनी व्यू पिरामिड्स था, उसका रेस्टोरेंट रूफटॉप रेस्टोरेंट व्यू जो था वो पिरामिड्स था। तो अगर आप जा ही रहे हैं, इतना पैसा खर्च ही कर रहे हैं, क्यों ना गीजा में रहे बजाय कायरो के। आपको अप एंड डाउन का खर्चा तो बचेगा ही, और जो एक्सपीरियंस रहेगा वो सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप कायरो में रह रहे हैं तो अगर आप कायरो में रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली पिरामिड्स जाएंगे। काफ़ी टाइम लगता है पिरामिड्स देखने में। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप सुबह वाले हाफ में जा रहे हैं तो लंच आप गीज़ा में करिए, और ऐसे होटल में करिए जहाँ पे आपको पिरामिड व्यू आता है। गीज़ा के पास में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत बेसिक बेसिक होटल्स मिल जाएंगे जैसे कि पिज़्ज़ा हट, जहाँ से जो पिरामिड्स का व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 3 चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप गीज़ा में जाते हैं और गीजा में अगर आप 20 या 30 मिनट्स का रिक्शा राइड या हॉर्स राइड करते हैं, जो कि काफ़ी चीप पड़ेगा, हमने ये किया था और हम लोग को आई थिंक 20 इजिप्शियन पाउंड्स में रिक्शा राइड और अराउंड 50 इजिप्शियन पाउंड्स में हॉर्स राइड कराया था। क्योंकि गीजा शहर जो है, जब आप उसमें एंटर करते हैं आपको लगेगा आप 1980s में ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव गॉन बैक इन टू टाइम और आप उधर चले गए हैं, उधर ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ा अलग सा फीलिंग है। तो ये ज़रूर करिए अगर आप गीजा में रह रहे हैं तो, बहुत ही अच्छा है, आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा ये सब करने को। अगर आप कायरो में रह रहे हैं तो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सपीरियंस जरूर करिए। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि आप सुबह सुबह उठ के 8 बजे पिरामिड्स पहुंच जाइए। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि वहां पे काफी सारी टूर बसेस आती है, अराउंड 9 o'clock ये आना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको हर जगह दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी फोटोज की, क्योंकि हर जगह आपको लोग मिलेंगे। अगर आपको एकदम फिल्मी स्टाइल ड्रीमी सिकल फोटोज खिंचवानी है तो सुबह का टाइम बेस्ट है, 8 बजे एकदम लोग नहीं होते, एकदम खाली रहता है। फाइनली गाइस, जो लास्ट स्टेप मैं आपको दूंगी वो है एक सनसेट टूर के लिए। अगर आप गीजा जा ही रहे हैं तो एक दिन तो पूरा गीजा को डेडिकेट करिए। तो अगर आप गीजा जा रहे हैं तो एक सनसेट टूर बोल के काफ़ी लोग ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया था, बट जब हमें पता चला तो काफ़ी लेट हो चुका था एंड हम लोग के पास इतना टाइम बचा ही नहीं कि हम वापस एक सनसेट टूर कर सके। आप प्रेफर करिए कि लोकल्स के साथ जाएं, वो आपको चार्ज भी कम करेंगे और वो आपको एक अलग सा हटके फील कराएंगे। और फाइनली गाइस, जो लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि अगर आप कायरो में नहीं रह के गीजा में रह रहे हैं, गीजा में ऐसा होटल चूज कर रहे हैं जहाँ का रूफटॉप व्यू पिरामिड्स का है, क्योंकि लाइट एंड साउंड शो भी आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है टिकट्स में। टिकट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 300 इजिप्शियन पाउंड्स है, ये सारे पैसे आप बचा सकते हैं। साउंड क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आपको क्लियर एकदम सुनाई तो नहीं देगा, बट अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी के शौकीन हैं, अगर आपको सिर्फ ब्यूटीफुल और कलरफुल पिरामिड्स देख रहे हैं अच्छी सुंदर सी लाइट्स में, तो ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी अगर आप एक्चुअली में हिस्ट्री और कल्चर के इंथूजियास्ट हैं तो आप जा सकते हैं लाइट एंड साउंड शो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो अबाउट ट्रैवलिंग टू गीजा, अबाउट ट्रैवलिंग टू पिरामिड्स। आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं, आपको टिप्स, सजेशंस, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, टिकट्स और कैसे आप स्कैम्स से बच सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अबाउट ट्रैवलिंग टू पिरामिड्स ऑफ गीजा, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी।
एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और वीडियो के साथ अपने इजिप्ट ट्रैवल गाइड में। तब तक के लिए नमस्ते।